कैसे दे रहे हो? कैसे दे रहे हो? कितने रुपए किलो? कितने रुपए किलो दे रहे हो? 60 रुपये किलो। इतना महंगा? मार्केट में तो मिलता है 10 रुपए किलो। बड़ा है ना, देखो कितना उसको मत, अंशु खुजली होगी, मैं कह रही हूँ। बड़ा है। तो क्या हुआ, नहा लेंगे तो देखूं, वरना कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाई जी की और रखी हुई है। ओह माय गॉड, देखिए अम्मी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। और ये मैं, पता है, मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं बीच मांग में कभी नहीं लगती है, कभी टेढ़ी कभी मेढ़ी। और इधर बाबू को देख ही रहे हैं आप लोग, क्या कर रहा है ये, तोलने में लगा हुआ है। अगर मैं उसमें और नहीं, इधर डालो और, अरे पगलू इधर डालो तब बराबर। हाँ, अब नहीं बराबर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं भी बैठी हुई हूँ आगे में अपने, देखिए बैठी हूँ। और अभी पूजा वगैरह नहीं की हूँ, बस एक बार नहा ली थी बस। बस मैं यहीं पर आगे बैठी हुई हूँ। और ये देखिए नीचे पापा और ये आ गए हैं, गए थे थोड़ा सा काम था तो वो गए थे, वो लोग आ चुके हैं। तो उसके बाद मैंने इन लोगों को शरबत वगैरह दी हूँ। उसके बाद मैं सब्जी लेकर आए थे, मूली है, नींबू वगैरह, तो उसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और क्योंकि बहुत मूली देखे ना, लाला चार था, बहुत टाइम के बाद मूली आया है घर में। अभी मूली महंगी भी है, मिल भी नहीं रही थी यहाँ पर, तो ये तो मतलब बड़े मार्केट गए थे तो वहाँ से लेकर आए। और उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए आ गई। मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो सब्ज़ी काट देती हूँ, अभी लाइट है तो तोरी की सब्ज़ी बन जाती है इंडक्शन पे, तो मैं उसी पे चढ़ा दूँगी। और देखिए बगल में मैंने रखा हुआ जीवीगंध, जो कि आपने देखा ही। तो बस मैं तोरी को छील रही हूँ, पता नहीं क्यों गांव की तोरी ऐसी होती है, वहाँ की तो तोरी ऐसी नहीं होती थी, इसके ऊपर ना बहुत मोटा मोटा सा छिकल होता है, वो ना बहुत हार्ड होता है, तो मुझे उसको छील कर ही बनाना पड़ता है। ऐसे बनाती हूँ तो सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती और गलती भी नहीं है। तो कहते हैं नहीं, गांव की चीज़ बहुत अच्छी होती है, बट मुझे यहाँ आकर कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं लगी कि हाँ मुझे, मतलब गांव की है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारी सब्ज़ियाँ ऐसी है बेकार सी, सारा हाइब्रिड का होता है जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई बस नाम का, नाम का है गांव, कोई भी देसी चीज़ नहीं मिलेगी मेरे गाँव में, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। तो वही मैं सब्ज़ी काट रही हूँ और हस्बैंड से कुछ बातें कर रही हूँ। और बाबू भी यहाँ पर बैठ कर टीवी देख रहा है। तो बस मैं यहाँ पर, हाय फ्रेंड, मैं अभी बैठी हुई हूँ अपने रूम में और बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और फास्ट है, आपको पता ही है आज जन्माष्टमी का फास्ट है, और मैं निर्जला फास्ट रखती हूँ जन्माष्टमी में। तो अभी तक मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया है, अभी 12 बजेंगे तो उससे पहले मैं नहा धो लूँगी, मतलब कि 12 बजे तक बिल्कुल तैयार हो जाऊँगी नहा धोकर। तो जैसे ही 12 बजने लगेगा तो करूँगी मैं कृष्ण भगवान की पूजा, क्योंकि उनका जन्म हो जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा सा मेरा फेस से लग रहा ऐसा होता है, इतना नहीं लग रहा था, वैसे मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज फास्ट रख पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं कल से ही मना कर दी थी, अपनी बहन को भी मैंने बोल दिया था कि मैं फास्ट आज नहीं रखूँगी, क्योंकि होता है ना कि अंदर से कमज़ोरी ऐसी होने लग जाती है। तो कल से बिल्कुल भी नहीं हिम्मत बढ़ रही थी कि मैं आज रखूँ फास्ट, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में सोमवार के भी सारे फास्ट हो गए थे तो थोड़ा लगता है। बट जैसे सुबह मैं उठी, मैंने सोचा नहीं रखूँगी, ऐसा मैं मतलब कर लिया, मैंने हस्बैंड से बोल दिया कि मम्मी से ही बोल दिया, तो मैंने बोला मम्मी नहीं रख पाऊँगी, नहीं लग रहा मुझे, नहीं पार लग पाएगा। लेकिन जैसे ही किचन में चाय बनाने के लिए गई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने लिए चाय बनाऊँ, सच बता रही हूँ आपसे, बिल्कुल भी। अंदर से ऐसा लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा यार, कि फिर मैंने सोचा यार मैं व्रत नहीं रखूँगी, और सच में मैं नहीं रखती ना तो सारे दिन मैं इसी अफसोस में लगी रहती कि मैंने नहीं रखा व्रत, नहीं रखा, क्योंकि बचपन से रखती आ रही हूँ, मुझे मतलब याद नहीं है कि मैं कब से व्रत रखती आ रही हूँ ये जन्माष्टमी वाला। तो फिर मैंने रख लिया, मैं चाय नहीं बनाई अपने लिए, ना खाना बनाई, मतलब मैं इस तरह से ऐसे रखी थी कि अगर ज़्यादा कुछ होगा, दिक्कत होगी तो मैं पानी वगैरह पी लूँगी। बट भगवान जी, टच वुड, अभी तक तो ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम 6:30 हो रहा है, अभी तक तो सही हूँ, अभी 6 घंटे 5.5 घंटा और है, किसी तरह कट जाएगा।
क्योंकि हम लोग तीज का व्रत रखते हैं, जीविया का व्रत रखते हैं, उसमें नीरा जल ही रहते हैं, उसमें कोई मतलब पानी का कुछ मतलब ही नहीं होता। अगले दिन आज पूरा दिन पूरी रात और अगले दिन हम लोग पानी पीते हैं, तो वो होता है ना कि उसमें पानी वगैरह नहीं पीना होता, तो उम्मीद भी नहीं होती है कि पानी पीना नहीं है, किसी तरह काटना है, बस दिन और रात मर के काटो चाहे जी के काटो, ऐसा वाला हाल होता है। बट इसमें ऐसा लगता है ना कि 12 बजे के बाद पी लेना, तो पता इसमें वो लगा रहता है कि 12 बजे के बाद पानी तो पी लेना ही है, तो और तो अंदर से प्यास लगती है, बट अभी तक तो नहीं लगी इतनी प्यास, हल्की हल्की से लगी है, इतनी नहीं लगी है, बट देखिए अब तक भगवान पार लगा दिए हैं। तो ड्राइंग दिखा दी, तो क्या बनाए हो ये? अर्थ, और अर्थ उड़ रहा है, इनका अर्थ उड़ रहा है, देख लीजिए आप लोग, तो इतना वाटर है। आज कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं तक किया, बट मैं बहुत जल्दी अभी पूजा करूँगी, पूजा की तैयारी करूँगी, तो रात का पूजा की मम्मी आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी नहीं बेटा, रात के 12 बजे ट्राइपॉड रख दो। रात के 12 बजे की मम्मी? अच्छा, लाइट एक ही जल रही थी, अभी वीडियो सही नहीं बन रहा था, एक लाइट जल रही थी इसलिए मेरा अंधेरा अंधेरा सा और था, मैं सोच रही थी मैं दोनों लाइट जल रही है फिर भी ऐसा क्यों आ रहा है। चलिए मैं पूजा करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी, यहाँ तो सिंपल तरीके से ही करूँगी पूजा, यहाँ पे फूल वगैरह भी नहीं मंगा, फूल वगैरह तो तोड़ी भी नहीं, तुलसी जी का पत्ता भी नहीं तोड़ी, तो जाती हूँ मैं जल्दी से तोड़ कर ले आती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रात हो गया है, तो बस भगवान माफ़ करे, मैं जल्दी से तोड़ कर आती हूँ तुलसी का पत्ता। तो फ्रेंड मैं पूजा कर ली हूँ, यहाँ पर 12 बज के कुछ मिनट हो चुका है, तो पहले मैं तैयारी कर ली थी और 11:30 बजे मैं सो गई थी, फिर 11:30 बजे मैं जगी, नहाई वहाई पूजा वूजा कर ली हूँ, और इधर देखिए यहीं पर कृष्ण भगवान है, आप लोग भी गोड़ लग लीजिए, मैं भी गोड़ लग ली हूँ, मेरा पूजा फिनिश हो गया, इधर मैंने हवन किया था वो जलाया है वो उधर, और तो बस पूजा मेरी संपन्न हुई, कृष्ण भगवान का जन्म हो गया, तो फिर से आप लोगों को भी बहुत आप लोग को बहुत बहुत बधाई, और जो भी जल वगैरह पीना है पानी शरबत वो पीऊँगी मैं, बट अब तो बिल्कुल भी प्यास भी नहीं लगी है, लेकिन मुंह जूठा करते हैं ना, तो वही मैं पीऊँगी, शरबत पीऊँगी। तो चलिए आप लोगों से सुबह मॉर्निंग में बात करते हैं। कैसे हैं आप सब? मैं भी मॉर्निंग की पूजा वगैरह कर ली हूँ नहा धोकर, और देखिए कितनी ही तेज बारिश हो रही है, दिखाती हूँ कितना पानी, रात से ही बारिश हो रही है और देखिए कितना पूरा पानी भर गया है, ये बारिश रात से हो रही है, जैसे ही 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और बारिश होने लगी बहुत जोर जोर से, तो फिलहाल रात भर पूरी रात बारिश हुई है, अभी भी हो रही है। अभी मैं चाय नहीं पी, मैंने सोचा था ना थोड़ी सी मैगी बनाऊंगी और मैं वो मैगी थोड़ी सी खाऊंगी बना के, तो थोड़ा सा मन तीखा तीखा सा होगा, तो चाय पीऊंगी। बेटू अभी मुझे एक चम्मच खिलाएगा, मैं आपको जीवीकंद खिलाऊंगी। नहीं, हम जीवीकंद नहीं खाते और ना मैगी देते है कि नहीं? मैं क्यों दूं अपनी मैगी इसको, कल इसने मैगी खा ली थी तो मुझे दी थी आपने मैगी, दी थी आपने, बताओ दे दिया मुझे, क्यों फिर मैं आज कैसे दूंगी अपनी मैगी। तो फ्रेंड मेरे इधर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, और मैं सोचती हूँ चलो वीडियो को थोड़ा सा एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो मेरा कल से शूट कर रखा है मैंने, और मेरे बाबू का कल देख सकते हैं बहुत तेज इसकी उंगली कटी, इतना ब्लड निकला, क्योंकि मैं जब थोड़ा सा आप लोगों से बात करके मैं सो गई थी, मैंने कभी तो मुझे पूजा करना है रात में, और सब्जी बन गई थी तो रोटी में मैं सोचा मम्मी बना लेंगी, और मैं सो गई
और ये चाय पी रहा था यहीं पे बैठकर चेयर पे, और टीवी देख रहा था, और पता नहीं कैसे चाय का कप गिरा लिया, और उठाने के बाद इतनी तेज़, मतलब बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं तो, इतना ब्लड बिल्कुल रुक नहीं रहा था। यहाँ तक आपका हाथ पूरे यहाँ तक हो गया, पूरे मतलब कपड़े वपड़े सारे लथपथ हो गए थे इसके खून से। फिर बहुत देर तक, कम से कम 15-20 मिनट तक हम लोग इसको दवा के रखे, डेटॉल लगाया, स्प्रिट मम्मी 2-3 बार स्प्रिट, फिर डेटॉल से शांत हुआ, फिर जाके फिर शांत हुआ, फिर हैंडी प्लस लगाया है। अभी तो ठीक है, लेकिन ब्लड लाल लाल दिख रहा है। बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इसके पीछे, तो सच में मैं पागल होती। इसको पता है इसको कोल्ड की प्रॉब्लम है, और जब तक इसको कोल्ड रहता है ना मेरा दिमाग शांत, ऐसा लगता है क्या ऐसा दे दूँ इसको कि जल्दी से ठीक हो जाए, और हमेशा की प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है यार, माँ ऐसी होती है, बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ होता है। वैसे मैं दिन भर कितना भी इसको मार लूँ डांट लूँ, लेकिन तो सच में बहुत टेंशन हो गई थी, एक तो फास्टिंग और ऊपर से इसकी और टेंशन देखकर सर में दर्द होने लग गया। तो चलिए मैं वीडियो को भी एंड करती हूँ, लाइट नहीं है, रात से बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अभी हल्की सी बारिश बंद हुई है, टंकी में भी पानी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है ना जब लाइट नहीं रहेगी ना तभी आपके टंकी में पानी, बिल्कुल भी पानी नहीं है टंकी में। और हम फिश में फिश रखने वाले थे ना, ऑक्सीजन भी नहीं ले पाए, तो देखते हैं कब तक लाइट आती है, कब तक फिर पानी है, तभी तो पानी मोटर चलाएंगे। बस खाना वाना नाश्ता वगैरह वही किया है सबने, और वही सिंक में बर्तन पड़े हुए। दोपहर में क्या लाया जाएगी, तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।